मेरे ना शादी के फर्स्ट नाइट वाले दिन ही। अच्छा, तो ये देखो आंखों के पास कितना मारा, ये देखो। बहुत मुश्किल से भाग के आई हूँ रात। उसी टाइम दारू पी के आ गया और इस अपनी बेटी को किसी और के साथ भेज देंगे। यार वो बुड्ढा है यार, 50 साल का बुड्ढा है। मिला तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 5 लाख रुपए मेरे से पूछ के दिए थे क्या उसको? तुम्हारे बाप को दे दो, तुम्हारी माँ को दिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे बात करने की, इससे फोन लेके? ये लड़की तुम्हारे पास अब नहीं आने वाली। कहीं जॉब दिला दो प्लीज भाई। क्या कर रहे हो? क्या भाई, ना मेरी तबीयत खराब थी लेकिन एक लड़की बहुत, मतलब कल रात में उसका फोन आया कि बहुत रो रही थी, भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, बेचारी की मतलब माँ बाप ने ही धोखा किया है, मतलब माँ बाप को साथ देना चाहिए ना। तो उस लड़की के माँ बाप ने कुछ पैसों के लिए उस लड़की को बेच दिया, ठीक है, और फोटो किसी और की दिखाई थी और शादी किसी और बुढ़े इंसान के साथ करवा दिए। और फिर पता चला जब वो दारू पी के आया था और लड़की को मारा पीटा, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, तो लड़की ने पूछा कि आप कौन हो भैया, आप कौन हो? तो बोला भैया बोल रही है तू मुझे, हैं भैया बोल रही है। तो उस बंदे ने भाई इतना, मतलब उस लड़की के साथ गलत किया ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और चलो वो तो गलत किया, क्या खुद के माँ बाप भी ना उस लड़की के साथ गलत किए। और वो बेचारी इतनी डरी हुई ना, इतनी डरी हुई है, खुद देख लो एक बार ना भाई, निकालना। हेलो मैडम, बाहर निकलना, एक बार बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बेचारी उसी टाइम से ना घर में जो कपड़े पहनी थी वही पहन के भाग के आई है रात में। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। डरो मत, बिल्कुल डरो मत, सीधा खड़े हो जाओ। अच्छा एक बात, जो जो हुआ है ना सारी बात बताओ, क्या बात हुई है, ठीक है, बिल्कुल मत डरो। भाई मेरे ना शादी के फर्स्ट नाइट वाले दिन ही। अच्छा, मेरे पति बहुत ड्रिंक करके आए, मुझे पता नहीं था वो मेरे पति है। मैंने उनसे पूछा आप कौन हो। अच्छा मतलब दारू पी के आए थे तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे कमरे में आए तो तुम मतलब एकदम एक बार को डर गई कि ये कौन आ गया। हाँ मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। भाई आप देख सकते हो इस लड़की को, ये देखो आंखों के पास कितना मारा है, ये देखो। और ये यहाँ पे एक बार दिखा देना, ये इसके ना गले पे भी निशान मार रखा है, ये देखो। भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब इस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है ना भाई, सुन के भी और मतलब ना एकदम बंदा डर जाए यार। और कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता है यार, एक बात बताओ, ये कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? भाई बहुत मुश्किल से भाग के आई हूँ रात भर यार। अच्छा आपके मम्मी पापा आपको कितने, आपके पापा ने कितने रुपए लिए थे उस आदमी से, कुछ पता है आपको? भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अगर ऐसा पता होता तो मैं शादी ही नहीं करती। अच्छा फोटो जब दिखाए थे तो कैसा लड़का था, कितने एज का था? मेरे साथ का ही था, ज्यादा एज नहीं थी, 18-19 साल का ही था। लेकिन फिर उसके बाद से जब पता चला कि ये कोई और है, हाँ जी, जब सामने आया तो, जब फर्स्ट नाइट पे मैंने देखा ना तब मेरे खुद पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैं खुद नहीं यकीन कर पा रही मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ ऐसे। भाई कोई बुड्ढा था लड़की की, उसी टाइम दारू पी के आ गया और इसके साथ जबरदस्ती करना चालू कर दिया। लड़की ने पूछा आप कौन हो, तो कह रहा मैं तेरा पति हूँ, तेरे बाप को पैसे दे रखे हैं, 5 लाख रुपए दे रखे हैं तेरे बाप को। फिर लड़की को अपने, मतलब मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, इतने सारे लोग सुन रहे हो, ये चीजें देख रहे हो, भाई मैं क्या बताऊं। भाई मेरी हेल्प, इतनी डरी हुई है ना लड़की, इतनी डरी हुई है, ये इतने ठंड में भी ना ये कपड़े पहन रखा है लड़की ने, वहाँ से किसी तरह भी अपनी जान बचा के और ये साड़ी पहन के भागी वहाँ से। इसके साथ गलत हरकतें करने लगा, इसको टच करने लगा, और तब ये लड़की मतलब एक बार को, मतलब शादी किसी और के साथ हुई थी, आप खुद डर जाओगे, शादी किसी और के साथ हुई के दिन घर में कोई और पहुँच गया। तो आपको शादी से पहले सब चीज़ें नहीं पता थी कि मेरे माँ बाप ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं भाई, मेरे को ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं खुद हैरान हूँ कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रात भर यहाँ पड़ी रही, इधर उधर भटकती रही, रोती रही। मैं अपने घर तक नहीं जा पा रही हूँ कि मैं घर भी चले जाऊँ। अभी उन्होंने ऐसा किया है, कल को फिर वहीं भेज देंगे, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पे। अच्छा अब एक बात बताओ, अब जाओगे कहाँ? अगर अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाओगे तो जाओगे कहाँ, ये तो बताओ। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूंगी भाई कमा के, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वो फिर मेरे को वहीं भेज देंगे। तो आपके मम्मी पापा सगे माँ बाप होके ऐसा आपके साथ क्यों किए? पता नहीं भाई, पैसे भी लिए उन्होंने, मतलब अगर मैं इतनी बोझती तो मुझसे बोल देते ना, मैं खुद कहीं चली जाती। मतलब यार एक माँ बाप ना
मुझे तो एक बार को जब लड़की ने बताया ना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक माँ बाप भी अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकतें कर देंगे, अपनी बेटी को किसी और के साथ भेज देंगे। यार वो बुड्ढा है यार, 50 साल का बुड्ढा है उस लड़की के साथ, मात्र 22-23 साल उम्र है इनकी और ये हाल कर दिया। बताओ अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कोई फोन ओन कुछ है अभी? हाँ भाई मैं लेके आई। अच्छा एक बात, उस बुड्ढे का नंबर है, उससे फोन लगा के बात करा सकते हो अभी? हाँ। एक बार ना फोन लगाओ उससे और एक बार बात करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं। भाई मुझे उससे बात नहीं करनी, मैं बात करूंगा, आप टेंशन ना लो, मैं बात करूंगा, ठीक है? मैं बात करूंगा, आप डरो मत, ठीक है? बस हिम्मत बांध कर रखो, जैसे हिम्मत बांध के मुझे आपने बताया ना, तो डरो मत एकदम, अगर मैं आया हूँ तो आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है? फोन लगाओ एक बार, मैं बात करना चाहता हूँ। भाई वो फिर यहाँ, डरो मत, मैं हूँ ना, डरो मत, अगर मुझे भाई बोले हो तो डरो मत। लगाती हूँ। मतलब भाई आज के टाइम पे ना मैं क्या बोलूँ यार, इतने लोग इतने गंदे तरीके से लोग गिर जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था यार। हेलो 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 हेलो, मैं यही हूँ। मेरे को ये बताओ तुम्हें ऐसा करके क्या मिला, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे तुम हो कहाँ, पहले तो ये बताओ कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ, मैं पहले, मेरे को ये बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी यार तुमने। मुझे कौन लेके जाएगा, मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती अब। अपने बाप के बल पे बोल दिए, अपने बाप के बल पे बोल दिए। मैं अपने बाप के बल पे क्यों बोलूंगी जब उन्होंने मुझे फेंक ही दिया है। 5 लाख रुपए तुमने उस 5 लाख रुपए मेरे से पूछ के दिए थे क्या उसको? तुम्हारे बाप को दिए थे, तुम्हारी माँ को दिए थे, किससे पूछ के नहीं तुमने? मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे साथ। हेलो 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 भैया, ये लड़की यहाँ पे गिरी पड़ी हुई है, लड़की के यहाँ पे है ठंड में, पूरी रात रही है बाहर ये। तो कौन है भाई? भाई ये मेरी वाइफ है, तुम कौन हो? ये आपकी वाइफ है? हाँ मेरी वाइफ है ये। धोखे से शादी हुआ है, तुम असली चेहरा दिखा के इससे शादी करते ना? इसके माँ बाप ने पैसे लिए 5 लाख रुपए। अच्छा एक बात बताओ, इस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे भाई? अरे तुम ले गए क्या, ये बताओ। मैं लेके नहीं गया हूँ मेरे भाई, एक बात, ये लड़की अपने मन से गई है यहाँ पे, ठीक है? किसके बल पे ले गया, ये बता मेरे से। भाई किसी से पूछ के मैं नहीं लेके गया, लेकिन ये चीजें जो आप कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, आपके खिलाफ। कौन, ये बताओ पहले तो, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे बात करने की, इससे फोन लेके? अच्छा तो मतलब हिम्मत कैसे हुई? एक बार अगर पुलिस कंप्लेन कर दिया ना, जिस हालत में जिस लड़की को तुमने जिस तरह मारा है ना, अगर इस तरह ले जाके अभी थाने में बैठा दूं ना, तुम्हारा 2 मिनट में हवा निकल जाएगा। मेरे? हाँ मेरी तो 2 मिनट में हवा। इसके माँ बाप को 5 लाख रुपए दे रखे, तुमने दिए थे 5 लाख रुपए? ऐसी निकली? इसके बाप ने तुमसे पैसे लिए थे? हाँ 5 लाख रुपए लिए थे, तभी शादी करी थी मेरी। अच्छा तो एक बात बताओ, तो शादी वाले दिन इसको फोटो कोई और क्यों दिखाए फिर? अपना चेहरा दिखाते ना। इनके माँ बाप ने दिखाया होगा, जो उनके माँ बाप के सामने जब मैं पैसे दे रहा हूँ। तो भैया सुनो मेरी बात, अब इसके माँ बाप से जाके पैसे लेते रहो तुम, ये लड़की तुम्हारे पास अब नहीं आने वाली। लड़की तो आएगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना कर लो, ठीक है? मैं तुम्हारे खिलाफ करवा रहा हूँ पुलिस में कम्प्लेन। अब तुम किसके बल पे मेरे को दिखा रहे हो, किसके बल पे दिखा रहे हो तुम ट्रेन? अरे किस भाई मेरे, मैं किस, कहाँ हो तुम? मैं अभी आ रहा हूँ। अरे अरे भाई मेरे आने की जरूरत नहीं है, अब थाने वाले बुलाएंगे, वहीं आना तुम, ठीक है? आना नहीं, तुम बताओ सब, मेरी वाइफ से बात कराओ। क्या बात करोगे? लो बात कर लो, ये साफ मना करेगी। हेलो हेलो, पहले तो ये बता हो कहाँ तुम? मैं कहीं भी हूँ, मैं, मेरे को नहीं आना है यहाँ पे वापस, मैं नहीं रहना चाहती ऐसे। मुझे नहीं, मुझे नहीं। कौन सा पति होता है जो दिन दारू पी के आ जाता है? बताओ। मुझे शादी ही नहीं करनी थी तुमसे। अपने माँ बाप से पूछती ना, मेरे अपने पापा से पूछती 5 लाख रुपए किस लिए लिए? तो मेरे को क्या पता था कि तुमसे शादी, मेरे की तो कुछ और को दिखाया था फोटो में। अपने बाप से पूछा नहीं आपने? मुझे नहीं रहना
भाई मेरे वो चिल्ला मत, ठीक है? अब चिल्लाइयो तो आके थाने में, ठीक है? वहीं आके बात करेंगे फिर। थाने से पहले मेरे से बात कर। चल ना, तेरे से क्या बात करूँ, तेरे से बात करूँगा क्या मैं? अरे तुझे पता चल जाएगा मेरे भाई मैं कौन हूँ, तुझे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, ठीक है? चल फोन रख दे, अब थाने में तेरा कंप्लेन करवाऊंगा, तेरी बातें सारी रिकॉर्ड कर ली मैंने, ठीक है? चल ना, रख फोन रख। भाई प्लीज मुझे आप कहीं जॉब दिला दो प्लीज भाई। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो। दूसरों के घर में बर्तन धो लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। भाई ये लड़की कह रही है कि मैं अब अपने ना ही पति के पास जा सकती हूँ और ना ही अपने माँ बाप के पास जा सकती हूँ। कोई अगर हो, देखो लाइव कैमरा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम लोगों से खुद बोल दो तुम्हें कैसी जॉब चाहिए और कैसा मतलब क्या चाहिए, ये बता दो। भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतनी हूँ कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कोई भी जॉब दिला दो, छोटी मोटी भी चलेगी। अच्छा, लेकिन मैं इस माँ नहीं जाऊंगी, फिर उस नर्क में नहीं जाना मुझे। भाई ये लड़की को ना कोई अपने पास रख सकता है, जॉब दे दे, ठीक है? किसी के घर में भी रहना होगा, नौकरों की तरह रहना होगा, रह लेगी, ठीक है? झाड़ू पोछा जो करना होगा कर लेगी, सब कुछ काम कर लेगी, बस कुछ पैसे दे देना और एक छोटी सी जगह दे देना रहने के लिए। भाई अगर कोई भी ऐसा बंदा अगर वीडियो देख रहा है ना, भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, इस लड़की को आप देख लो, ठीक है? कोई कैसा भी हो, कहीं का भी हो, मतलब यहाँ पे दिल्ली मुंबई चाहे कहीं भी, आगरा वगैरह कहीं का भी हो, यूपी बिहार कहीं का भी हो, इस लड़की को बस रख ले और चार टाइम का खाना दे दे और पहनने को अच्छा कपड़ा दे दे और इज्जत से रखे और इज्जत से ये बेचारी काम करेगी और इसका जो पैसा बनेगा उसको पैसा दे देना। किसी के घर में झाड़ू पोछा, किसी के पैर भी दबाने पड़े पैर भी दबा देगी, ठीक है? किसी के माँ बेटी की, लेकिन इसको ना प्लीज़ इज्जत से कोई रखने वाला अगर होगा ना भाई, तो जितना हो सके ना वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई की, कोई ढंग का बंदा मिल जाए जो इस लड़की के लड़की को अपने घर में रख ले इज्जत से और इसको चार रोटी खिला दे और इसको अच्छा जॉब दे दे। भाई मैं ये नहीं कह रही मुझे फ्री में रखूँ, मैं काम कर लूँगी, मैं जॉब करूँगी। हाँ, ऐसा नहीं है किसी के घर में ये फ्री में रहेगी, ऐसा नहीं है फ्री में रहने का, वहाँ पे ये जॉब करेगी और वहाँ सारा काम करेगी। मैं क्या बताऊँ यार, वो बताओ तुम्हारे पिताजी इसमें खुद पूरे पूरे गलत हैं यार, तुम्हारे पिताजी ने सारा खेल खेल रखा है। मैं वहाँ भी नहीं जा सकती भाई, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वहाँ मत जाओ, वहाँ जाने की अब जरूरत ही नहीं है, क्या करोगी वहाँ जाके? अब तुम्हारे माँ बाप भी तो गलत हैं, लेकिन इन अपने माँ बाप के खिलाफ भी कंप्लेन करो, ठीक है? कि भाई ये जो आजकल चल गया है ना, दो दो चार चार पांच पांच बच्चे कर ले रहे हैं और फिर कुछ हाथ में कमाई नहीं आ रही, फिर ये वाले गलत वाले काम में डाल रहे हैं बच्चों को, तो भाई थोड़ा ना सतर्क हो जाओ। अब इस लड़की को ले जा रहा हूँ थाने में कंप्लेन करवाने, ठीक है? और उस जो बुड्ढा है ना उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हुई हैं, आप लोगों ने सुना है ना भाई? अब ले जाऊंगा उसको और ले जाकर थाने में कंप्लेन करवाऊंगा। और ये लड़की है प्रूफ हमारे, ये देखो शरीर पे कैसे मारा है, गले पे, ये देखो गले पे निशान, यहाँ देखो आंखों पे देखो। मैं क्या बोलूँ यार, ये बेचारी कल रात से इतना परेशान है, मुझे फोन की भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है मेरे साथ, आ जाओ यहाँ पे। मैं खुद इस टाइम पे बीमार पड़ा हुआ, देखो खुद कैप पहन के बाहर आया गाड़ी में से, फिर ये लड़की की ये प्रॉब्लम है। क्या बताऊँ आज के टाइम पे भाई, पता ना क्या लोगों को हो गया, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। और उस बुड्ढे को भी पता ना क्या ऐसा था, अरे भाई सच्चाई से कर लेता शादी है, फोटो अपनी दिखाता कर लेता शादी अगर लड़की को पसंद होता तो, क्या जरूरत थी ये काम करने को, धोखा देने को। चुप हो जाओ, रो मत मैडम, रो मत, परेशान मत हो, चुप हो जाओ एकदम, रो मत, शांत हो जाओ एकदम, शांत हो जाओ। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे कोई बात नहीं, रो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रो मत, देखो लोग वीडियो देख रहे हैं तुम्हारी, रो मत, ऐसे मत, हंस दो थोड़ा, हंस दो, कोई बात नहीं है, ठीक है भाई? कहीं का भी हो, कहीं भी मतलब जैसे यूपी बिहार कहीं के भी लोग हो, वहाँ उनके घर पे चले जाओ, जॉब कर लूंगी मैं, जॉब चले जाओगे ना? हाँ मैं जॉब कर लूंगी, मैं कहीं भी रह लूंगी जॉब के लिए, लेकिन। अच्छा देखो अभी कुछ पैसे वैसे हैं आपके पास? नहीं भाई मैं घर से ऐसी, कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ कहीं भी। भाई अभी कुछ दिनों के लिए लड़की को ना एक होटल दिलवा देता हूँ, वहीं पे रुकी रहेगी, ठीक है? अकेले रुकी रहेगी वहीं पे, और कहीं भी एक कमेंट आ जाए ना, अगर किसी का मैसेज आ जाए कमेंट में आ जाए, नंबर दे देता हूँ उस पे, अगर कोई भी भाई अगर अच्छा कोई जॉब होगा ना, तो भाई इस लड़की से कांटेक्ट कर लो और ले जाके कमेंट में ना अपना अपना नंबर डाल दो और जॉब का बता दो कि ऐसा जॉब है, ऐसा जॉब है। ये लड़की वहाँ पे अगर अच्छा लगेगा खुद ही कांटेक्ट कर लेगी और वहाँ चली जाएगी, ठीक है? मैं किराया दे दूंगा आप लोग के पास जहाँ के भी होगे, मैं किराया दे दूंगा वहाँ जाने के लिए।
भाई हाथ जोड़ के निवेदन है इस लड़की की, थोड़ी मदद कर दो भाई, मेरे से जितना हो पाए मैं तो मदद करा रहा हूँ। अभी तो फिलहाल इसको कल रात से बाहर निकली है, तो पहले तो कुछ देखो भाई, इस टाइम ना सुबह के बज रहे हैं 11 बज गए हैं, ठीक है। मुझे भी घर से आने में, मैं तो सो के उठा 8:30 बजे, फिर लड़की का फ़ोन आया, रात से ही कईयों कॉल कर रखी थी, मैं तो सो रखा था, तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर ने फ़ोन चलाने से मना किया है। फिर उसके बाद से मैंने सुबह कॉल देखा, कॉल किया तो फिर 1 घंटा लगा मुझे यहाँ पे आने में। अब मैं इस लड़की को थोड़ा ले जाकर पहले कुछ खाना वाना खिलाता हूँ, पहले कपड़े उपड़े थोड़ा सही से दिलवा के फिर इसको वहाँ से होटल एक दिलवा देता हूँ। पहले तो पुलिस कंप्लेन करवाऊँगा ये निशान दिखा के, फिर एक होटल दिलवाऊँगा, थोड़ा ये लड़की भी अपना आराम से फ्रेश व्रेश हो जाएगी। फिर उसके बाद से आप भाई जो भी अगर अच्छा लगे ना भाई कमेंट करते रहो, ये लड़की यहीं दिल्ली में ही है, अभी ये नोएडा के दिल्ली नोएडा दिल्ली के बीच में ही है, यहाँ से ये लड़की को होटल में रहेगी। और जो भी कोई भी अगर कहीं के भी भाई होंगे जहाँ इस लड़की को जॉब अच्छा लगेगा, वहाँ ट्रेन की या फ्लाइट की जैसे भी टिकट होगा जितने रुपये का भी होगा मैं खुद कराऊँगा और वहाँ भेज दूँगा। बस एक कोई ढंग का भाई जॉब दिलवा दो इस लड़की को भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर मुझे भाई मानते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो कि इस लड़की को एक जॉब मिल जाए, ठीक है। इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है भाई, ये फोटो तो किसी और की दिखाई थी, पति कोई और निकला, और वो भी दारू की बोतल हाथ में लेके एकदम ढूंढ होके पहुंच गया इसके पास। ये बेचारी डर गई वहां पे, इसके साथ जबरदस्ती करने लगा किसी तरह भी, देखो इस कपड़ों में भागी वहां से। देखो तुम गाड़ी में बैठ जाओ, आराम से जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, फिर चलो एक कपड़ा वपड़ा थोड़ा ले लो, मैं सब कुछ बोल दिया उसमें, रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है जाओ आराम से बैठ जाओ, रो मत। भाई से लेना है तो जोर लगा रहा था भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है यार इस लड़की की मदद कर दो मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि इस लड़की की मदद कर दो किसी तरह भी ना। इस लड़की को अपने माँ बाप के पास ये नहीं जाना चाहती, ना ही अपने पति के पास जाना चाहती है, बस एक ढंग का जॉब ढूंढ रही है, एक जॉब मिल जाए ना वहीं चली जाएगी ये, अपने घर में रख लो, इज्जत से रख लो। और कोई अगर अच्छा इंसान होगा ना भाई, ऐसी मदद कर दो यार इस बेचारी की, मुझे भाई मानते हो इतना सपोर्ट करते हो, इस लड़की की सपोर्ट कर दो भाई।